किस वर्ष पर्यटन विभाग की स्थापना की गई? 1956। देख लीजिएगा नेक्स्ट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई? तो यातायात के साधनों पे आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान परिवहन निगम भी पूछ सकता है, रेलवे के ऊपर नवीनतम कौन सा है वो पूछ सकता है, हाईवे जो वर्तमान में स्वीकृत किए गए हैं, और हाईवे वाला तो आप याद रखना, हाईवे में आपको सिंपल सा याद करना ठीक है ना, या तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो नया बनाया गया है, या जो सबसे बड़ा है, या सबसे छोटा है, या जो सबसे व्यस्त है, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रश्न पूछता है। तो नितिन गडकरी जो राजस्थान में उद्घाटन कर रहे हैं ठीक है ना, इन पे प्रश्न आना चाहिए, मेरा जहां तक विचार है। करंट से रिलेवेंट प्रश्न पूछेगा। 24 नवंबर 1978 राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है जिसकी स्थापना की गई, प्रथम हेरिटेज होटल, ये प्रश्न अभी एक साल के भीतर परीक्षा से आए हुए हैं, देख लो आप। स्थित भवन कहां, जोधपुर में, तो भी आंसर हो गया। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, ये प्रश्न पूछा गया है, बताएं ए बी क्या है, सी, इसका आंसर होगा ए 71B। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, बताएं, ये प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, कितना इजी प्रश्न है बताओ। अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो आसान प्रश्नों का उत्तर गलत करके आता है, जबकि हो सकता है कठिन प्रश्नों में उसने इतना समय खराब कर दिया। रियल में हमेशा याद रखो, सरल से कठिन की ओर जाए। इजी प्रश्न यदि गलत होता है तो तुम कंपटीशन से बाहर हो, कठिन प्रश्न गलत होता है तो लगभग का गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान प्रश्न गलत होने का मतलब है तुम उस कॉम्पिटिशन के लायक नहीं हो, याद रखना। आसान क्यों गलत हो रहा है, तो ए आंसर होगा 1964। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, बताएं, बी है क्या, चरिवेति चरिवेति। आप देखो ये सब प्रश्न आज मैं आसान लेके इसलिए आया हूं, एक साल के भीतर अधीन सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न है जो आज मैंने टास्क दिए हैं। चरिवेति चरिवेति। सांधू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? हत्ता जी, सी आंसर होगा इसका, क्या होगा, सी। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की, ये प्रश्न एक साल के भीतर तीन बार पूछा गया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, एक साल में तीन बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर, बाबू जी पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से किस संत ने लिया था? अभी पिछले 6 महीने में एक एग्जाम हुई है दिनेश सेवा चयन बोर्ड द्वारा, उसमें पूछा गया प्रश्न है। पिपाजी, लालदास जी, दादू दयाल जी, जाम्बो जी, बता दो। जी जाम्बो जी, पर्यावरण संरक्षण में, जाम्बो जी। राजस्थान की कौन सी बोली को मानक बोली कहा जाता है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, क्या है? तो मारवाड़ी जो है वो क्या है, मानक बोली है। राजस्थानी भाषा का सवर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का सवर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हाँ, 1650 से 1850। अब ये सब आए हुए प्रश्न, इससे आइडिया लगा लो कैसे प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, ठीक है, किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? बी मालवी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता व सांख्यिक कार्य का ग्रंथ रचना किसने की है? ये आरएश परी में भी आया, पूछा गया है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यानी आरपीएस और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दोनों ने इस प्रश्न को पूछा है। चतुर सिंह, वेरी गुड, ए आंसर। विधवा विवाह उपहार योजना में वित्तीय वर्ष, ये प्रश्न दो बार रिपीट हुआ, याद रखना। वित्तीय विधवा विवाह उपहार योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी राशि बढ़ाकर दी गई है? 51,000, याद रखना। ऐसा एक हतलेवा योजना भी प्रश्न पूछा गया, मतलब ये चीजें ज्यादा चर्चित हो रही है, ऐसे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभिनव योजनाओं से प्रश्न है, शिल्प व माटी कला बोर्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है, बताएं आंसर, बताएं फटाफट, शिल्प व माटी कला सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी गई है?